हुए चुनाव में महापौर समेत भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में अधिकारी का मतदान की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टाउन हॉल पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन सरकार का मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ ही गोरखपुर में भी चौमुखी विकास हो रहा है। इस विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी, जिससे गोरखपुर को भी अत्याधुनिक बनाया जा सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष निषाद पार्टी व माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी, आज गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और इससे पहले सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल पहले गोरखपुर में माफिया गिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी, आबादी कम थी, सफाई नहीं होती थी, दिन भर जाम लगा रहता था, अपराध चरम पर था और लोग अपनी पहचान छुपाते थे। गोरखपुर से नहीं बोलना है, उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेना है। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है गोरखपुर में, अगर आप देखेंगे इसे, आप आज के दिन पर गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के नॉलेज सिटी के रूप में भी जान सकते हैं, मेडिसिन की सिटी के रूप में भी इसकी पहचान करा सकते हैं, बिजनेस सिटी के रूप में भी गोरखपुर को आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी गोरखपुर है। और जब रवि किशन जी और संजय निषाद जी की फिल्में एक साथ बनेगी रामगढ़ ताल में, तो इसको आप फिल्म सिटी भी कह सकते हैं, टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का, डिग्री कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। गोरखपुर में गौरव की अनुभूति कराने वाला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है, इसी सत्र में प्रारंभ हो जाएगा गोरखपुर में सैनिक स्कूल। और कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है या जो बच्चे जिनके मां बाप रजिस्टर्ड लेबर का काम करते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय भी सत्र में सहजनवा में प्रारंभ होने जा रहा है।
होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटनरी कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन करके और बीमार मेडिकल कॉलेज की सेहत को सुधार करके बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित हुआ ही है। एम्स भी गोरखपुर का चालू हो गया है, फर्टिलाइजर प्रारंभ हो गया है। आज गोरखपुर में क्या नहीं है,